कन्फेशन क्या है? एडमिशन है। एडमिशन क्या है? स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है वो ओरल राइटिंग डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन? एडमिशन मींस टू एडमिट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट। और इन फैक्ट्स को आप एडमिट कर सकते हो आइदर इन ओरल फॉर्म या राइटिंग में या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में। तो एडमिशन सेकेंडरी एविडेंस है, राइट? तो हमने जाना कि कन्फेशन इज इक्वल्स टू एडमिशन। कन्फेशन क्या है? एडमिशन है। एडमिशन क्या है? स्टेटमेंट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इफ दिस इज अ स्टेटमेंट, यदि ये स्टेटमेंट है तो ये एडमिशन है, आपको रिवर्स जाना होगा। अगर ये स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट इंक्लूड्स एडमिशन एंड एडमिशन इंक्लूड्स कन्फेशन। एडमिशन के जितने पार्ट से एक्यूज्ड का गिल्ट प्रूफ होता हो वो कहलाता है कन्फेशन। एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम कन्फेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे विथ प्रॉपर नोट्स, इलस्ट्रेशंस एंड विथ केस लॉज। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो कन्फेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट? एविडेंस लॉ के अपने अब तक के वीडियोस में हमने एडमिशन के सभी सेक्शंस को कवर किया, हमने एडमिशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा। कुल 6 वीडियोस के माध्यम से हमने एडमिशन के हर सेक्शंस को नोट्स, इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉस के तहत समझा। हमने ये भी समझा कि एडमिशन से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कन्फेशन के जनरल कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, राइट? सबसे पहले हमें कुछ बातों को रिकॉल करना होगा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे हमारे एविडेंस एक्ट का चैप्टर 2 डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से। और जो सेक्शंस इस पर्टिकुलर चैप्टर के तहत आते हैं वो है सेक्शन 5 से लेकर के 55। तो सेक्शन 5 टू 55 डील्स विथ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोर्ट केवल और केवल उन्हीं एविडेंसेस को एक्सेप्ट करता है जो या तो फैक्ट इन इशू से कनेक्शन स्टैब्लिश करते हों या रेलेवेंट फैक्ट हो। कोर्ट कभी भी इररेलेवेंट फैक्ट्स को अप्रिसिएट नहीं करता है, ना ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट? इसलिए चैप्टर 2 ऑफ एविडेंस एक्ट हमें ये बताता है कि वो कौन से फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट है और इसे हम बिफोर द कोर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोर्ट विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ
irrelevant facts or evidences, right? अब देखो, हमने ये जाना कि हमारे एविडेंस एक्ट का सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन 31 तक के जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं एडमिशन से। ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 17 to 31, इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में कौन से सेक्शंस हैं? सेक्शन 17 से लेकर के 23 एंड सेक्शन 31। ये जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं एडमिशन। सेक्शन 17 से लेकर के 23 एंड सेक्शन 31 डील करते हैं एडमिशन से। वहीं पार्ट टू में सेक्शन 24 से लेकर के सेक्शन 30 तक के जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं कन्फेशन से। राइट, अब देखो, ये जो हमारा कन्फेशन है, कन्फेशन के जो सेक्शंस हैं 24 से लेकर के 30 तक, यानी ये जो 6 सेक्शंस हैं वो किस हेड के अंदर हैं? एडमिशन के अंदर हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कन्फेशंस आर आल्सो एडमिशंस? कन्फेशंस भी क्या हैं? एडमिशंस हैं, राइट? तो कन्फेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कन्फेशन से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कन्फेशन? कन्फेशन क्या है? व्हेन इज अ कन्फेशन एडमिसिबल इन एविडेंस? कब कन्फेशन को हम एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल मानेंगे? पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज कन्फेशन एंड व्हेन इज अ कन्फेशन एडमिसिबल इन एविडेंस? दूसरा, ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। सभी कन्फेशंस एडमिशन होते हैं लेकिन सभी एडमिशंस कन्फेशन नहीं होते हैं, इस स्टेटमेंट को एलाबोरेट करो, एक्सप्लेन करो। तो दिस कुड बी द सेकेंड क्वेश्चन ऑन कन्फेशन। या आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज कन्फेशन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, किन सर्कमस्टांसेस में अ कन्फेशन इज एडमिसिबल और इनएडमिसिबल? या एक लास्ट क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है, व्हाट इज कन्फेशन, डिस्कस द सेफ गार्ड्स विच इंडियन एविडेंस एक्ट हैज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू मेक अ कन्फेशन एडमिसिबल इन एविडेंस। तो ये 4-5 क्वेश्चंस हमारे कन्फेशन से फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप कन्फेशन के इन सभी वीडियोस को कवर करते हो, नोट्स बनाते हो, समझते हो, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में वो सभी क्वेश्चंस इन्हीं वीडियोस से होंगे, राइट? आपको एविडेंस एक्ट का पूरा सेक्शंस नहीं पढ़ना है, जरूरी भी नहीं है। आपको केवल उन्हीं सेक्शंस को पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और अपने वीडियोस के माध्यम से मैं केवल और केवल उन्हीं सेक्शंस पे फोकस करता हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं।
अब एडमिशन के लगभग सभी सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने एडमिशन के सभी सेक्शंस को समझा, राइट उसी मैनर में हम कन्फेशन को भी कवर करेंगे। तो एक बात क्लियर है, कन्फेशन क्या है? कन्फेशन इज एन एडमिशन, बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। रीजन क्या है उसे हम आगे समझेंगे, राइट चलिए। अब देखो, तो कन्फेशन के जो सेक्शंस हैं वो हमारे एविडेंस एक्ट में सेक्शन 24 से लेकर के 30 तक है, यानी ये जो 6 सेक्शंस हैं वो डील करते हैं कन्फेशन से, राइट। अब देखो, जैसे हमारा एविडेंस क्लियरली डिफाइंड है सेक्शन 17 में, हमारे एविडेंस एक्ट का सेक्शन 17 एडमिशन को डिफाइन करता है। एडमिशन इज क्लियरली डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 ऑफ एविडेंस एक्ट, लेकिन कन्फेशन को हमारे एविडेंस एक्ट के किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया। जो वर्ड कन्फेशन है वो अपीयर होता है हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 में, राइट। अब क्यों डिफाइन नहीं किया गया है कन्फेशन को, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, तो वीडियो आपको पूरा देखना, राइट। अब देखो, अब क्योंकि कन्फेशन हमारे एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, तो डिफरेंट जूरिस्ट ने अपने अपने समय में कन्फेशन को डिफाइन करने की कोशिश करी। उन्हीं में से एक थे जस्टिस स्टिपन, जो कि एक फेमस जूरिस्ट थे। जस्टिस स्टिपन ने अपने लॉ ऑफ एविडेंस के डाइजेस्ट में कन्फेशन को डिफाइन किया। नाउ व्हाट इज डाइजेस्ट? देखो, जब कोई बुक समराइज्ड फॉर्म में होता है तो वो डाइजेस्ट कहलाता है। तो जस्टिस स्टीपन ने लॉ ऑफ एविडेंस के अपने डाइजेस्ट में कन्फेशन को डिफाइन किया। उन्होंने कहा, कन्फेशन इज एन एडमिशन। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन एक एडमिशन है। मेड एट एनी टाइम, जो कि आप किसी भी समय कर सकते हो। बाय अ पर्सन, वो पर्सन एडमिशन कर सकता है कन्फेशन के तौर पे, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, चार्जेस ऑफ क्राइम। तो कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन charged with crime, stating or suggesting inference, और ये जो admission है confession के तौर पे उस person के द्वारा जो कि charged with crime है, ये admission हमें ये suggest करता है। अगर हम इन admissions को कंसीडर करें तो हम ये इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट ही हैज कमिटेड दैट क्राइम, जो उसने उस क्राइम को कमिट किया है, राइट। तो आप कह सकते हो जस्टिस स्टीपन ने कन्फेशन को डिफाइन करते हुए ये कहा, कन्फेशन इज एन एडमिशन। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन एडमिशन है, मेड एट एनी टाइम, जिसे आप कभी भी किसी समय कर सकते हो।
कौन कर सकता है? वो पर्सन कर सकता है हु इज चार्ज विथ क्राइम। उसके इस एडमिशन को अगर हम कंसीडर करें तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, हम इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि क्राइम उसी ने किया है। राइट, प्रिवी काउंसिल ने जस्टिस स्टीपन के इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। राइट, अब तक के हमारे डिस्कशन में दो पॉइंट्स क्लियर हो गया है। पहला कि जो कन्फेशन है वो क्या है, एडमिशन है। दूसरा, इट कैन बी मेड एट एनी टाइम, इसे आप किसी समय कर सकते हो। और कन्फेशन कौन करेगा? वो पर्सन करेगा हु इज चार्ज्ड विथ क्राइम। ठीक है, तो लिख लो, जस्टिस स्टीपन ने कहा कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाई अ पर्सन हु इज चार्ज्ड विथ क्राइम स्टेटिंग और suggesting inference that he has committed that crime. Right. अब देखो, अब क्योंकि हमने ये समझा कि कन्फेशन भी क्या है, एडमिशन है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि एडमिशन ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में, तो वो सेम डेफिनेशन एप्लीकेबल होता है कन्फेशन पर भी। अब क्योंकि कन्फेशन भी हमारा एडमिशन है और एडमिशन क्लियरली डिफाइंड है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में, इसलिए हमारे लॉ मेकर्स ने कन्फेशन को अलग से डिफाइन करने का कोई तुक नहीं समझा। राइट, इसलिए कन्फेशन डिफाइंड नहीं है, बिकॉज कन्फेशन इज एन एडमिशन एंड एडमिशन इज defined already under section 17 of this act. Right. देखो, admission क्या है? What is admission? अगर हम admission के general concept को देखें तो जब आप किसी फैक्ट को एडमिट करते हो, जब आप किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को एडमिट करते हो सिविल केसेस में, तो वो कहलाता है एडमिशन। लेकिन जब आप किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को एडमिट करते हो क्रिमिनल केसेस में, तो वो कहलाता है
कन्फेशन। तो यहां पे केवल जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो वैरी कर रहे हैं। एडमिशन मीन्स एडमिटिंग द फैक्ट और एक्नॉलेजिंग द फैक्ट, एंड कन्फेशन का भी मतलब होता है एडमिटिंग द फैक्ट। लेकिन कन्फेशन में आप क्रिमिनल केसेस में फैक्ट्स को एडमिट कर रहे हो, वहीं एडमिशन में आप किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को सिविल केसेस में एडमिट कर रहे हो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि कन्फेशन इज नो वेयर डिफाइंड इन एविडेंस एक्ट। कन्फेशन हमारे एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। जूरिस्ट ये कहते हैं कि एडमिशन का जो डेफिनेशन सेक्शन 17 में दिया गया है, वही डेफिनेशन एप्लीकेबल होगा कन्फेशन पर भी, राइट। एक केस है, आप लिख सकते हो, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, व्हेन एन एडमिशन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 17 इज मेड इन सिविल केसेस, जब सेक्शन 17 के तहत एडमिशन सिविल केसेस में होता है तो वो एडमिशन कहलाता है। लेकिन जब एक ऑफेंडर वो चीज करता है, हु इज चार्ज विथ क्राइम, यानी क्रिमिनल केसेस के बारे में बात किया जा रहा है, तो वो कहलाता है कन्फेशन। अब देखो, सबसे पहले हमें सेक्शन 17 को देखना होगा। सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 कहता है एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन क्या है? स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है, ये ओरल, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के रूप में हो सकता है, विच सजेस्ट एन इन्फरेंस, जो एक इन्फरेंस सजेस्ट करता हो, जो हमें एक डेफिनेट कंक्लूजन की ओर लेकर के जाता हो, एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। आगे कहता है, मेड बाय एनी पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड हियरिन, राइट। तो एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। देखो, हमने ये कहा कि कन्फेशन क्या है? एडमिशन है। एडमिशन क्या है? स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है वो ओरल, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन? एडमिशन मींस टू एडमिट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस
ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट, और इन फैक्ट्स को आप एडमिट कर सकते हो आइदर इन ओरल फॉर्म या राइटिंग में या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में। तो एडमिशन सेकेंडरी एविडेंस है, राइट। तो हमने जाना कि कन्फेशन इज इक्वल्स टू एडमिशन। कन्फेशन क्या है? एडमिशन है। एडमिशन क्या है? स्टेटमेंट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इफ दिस इज अ स्टेटमेंट, यदि ये स्टेटमेंट है तो ये एडमिशन है, आपको रिवर्स जाना होगा। अगर ये स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट इंक्लूड्स एडमिशन एंड एडमिशन इंक्लूड्स कन्फेशन। एडमिशन के जितने पार्ट से एक्यूज्ड का गिल्ट प्रूफ होता हो वो कहलाता है कन्फेशन। द पार्ट ऑफ एडमिशन विच प्रूव्स द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड नोन एज कन्फेशन, राइट। तो एडमिटिंग द फैक्ट इन सिविल केसेस नोन एज एडमिशन एंड एडमिटिंग द फैक्ट इन क्रिमिनल केसेस नोन एज कन्फेशन, राइट। तो देखो, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट when an admission as provided under section 17 is made in civil cases, it is admission. But when it is made by offender, it becomes confession, right? चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि एडमिशन के सेक्शन 18, 19, 20 में हु कैन मेक एडमिशन, ये चीज क्लियर करता है। यानी हमारे एविडेंस एक्ट का सेक्शन 18, 19, 20 जो कि एडमिशन से जुड़ा सेक्शन है, जिसमें प्रोविजन दिया है इन रिगार्ड्स टू हु कैन मेक एडमिशन, यानी किन किन पर्सन्स का स्टेटमेंट एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट माना जाएगा इन सिविल केसेस। अगर वही सारे पर्सन्स किसी फैक्ट को एडमिट करते हैं क्रिमिनल केसेस में तो वो कहलाएगा कन्फेशन, बट दे मस्ट बी चार्ज्ड विथ क्राइम, राइट। चलिए, अब देखो, एक केस है हमारे पास पकाला नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये कन्फेशन पर एक लीडिंग केस है, ठीक है। पकाला नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब,
अगर कन्फेशन आपके एग्जाम में आता है तो इस लीडिंग केस को आपको ज़रूर से लिखना चाहिए, ठीक है। देखो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस, यानी जिन भी फैक्ट्स को आप एडमिट कर रहे हो क्रिमिनल केसेस में कन्फेशन के फॉर्म में, वो ऑफेंस के रिगार्ड में होना चाहिए। कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। तो कन्फेशन का मतलब ये है कि या तो आप ऑफेंस के रिगार्ड में किसी फैक्ट को एडमिट कर लो, या उन सभी फैक्ट्स को एडमिट करो जिन्हें अगर हम एक साथ जोड़े तो आपका गिल्ट प्रूफ होता हो, ठीक है। तो कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस कि हाँ आपने ऑफेंस किया है, ये चीज आप डायरेक्ट बोलो, या आप उन सभी फैक्ट्स को एडमिट करो। जो कॉन्स्टिट्यूट करते हो ऑफेंस को, मतलब अपराध से संबंध रखने वाले लगभग सभी तथ्यों को स्वीकार कर लेना, ऑफेंस से रिलेशन रखने वाले सभी फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेना कन्फेशन कहलाता है, राइट। तो इसमें आप लिखोगे, कन्फेशन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल फैक्ट्स, सभी फैक्ट्स, मतलब आप सभी फैक्ट्स को एडमिट कर ले रहे हो और उन फैक्ट्स को जब हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं तो आपका ऑफेंस प्रूफ हो जा रहा है, तो वो भी क्या है, कन्फेशन ही है। एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस। अब देखो, कहता है कन्फेशन यानी जो पर्सन एडमिशन दे रहा है क्रिमिनल केसेस में तो वो कन्फेशन है, और यदि ये जो कन्फेशन है वो प्रूव्ड हो जाते हैं कि वॉलंटरीली हैं, यानी जो पर्सन कन्फेश कर रहा है वो अपनी इच्छा से कर रहा है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी का, वो अंडर थ्रेट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स नहीं कर रहा है, यानी कन्फेशन इज वॉलंटरीली, और अगर ये जेन्युइन है तो ये सफिशिएंट है एक्यूज्ड के गिल्ट को प्रूव करने के लिए। तो लिखो, confession if satisfactorily to be voluntary and genuine it is
sufficient proof. It is sufficient proof of guilt of accused. कन्फेशन से जुड़ा एक और लीडिंग केस है जिसे आप सभी अवेयर होंगे. केस है आपका मोहम्मद अजमल आमिर कसाब एंड अबू मुजाहिद. वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अब देखो क्योंकि रात हो रहा है और लाइटिंग का कोई व्यवस्था नहीं है मेरे पास, तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस के कंटेंट को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप अपने वर्ड्स में लिख लेना. ठीक है, देखो ये एक लीडिंग केस है, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब एंड अबू मुजाहिद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. क्या था, अ पाकिस्तानी नेशनल वॉज कॉट अलाइव इन बॉम्बे टेरर अटैक. ठीक है, तो बॉम्बे टेरर अटैक में एक पाकिस्तानी नेशनल को लाइव पकड़ा गया था. ही वॉज चार्ज्ड विथ सीरियस क्राइम्स. उसके ऊपर सीरियस क्राइम के चार्जेस लगाए गए, जैसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ टेरर अटैक्स, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर, रॉबरी, डकॉइटी, एंड ही वॉज ऑल्सो चार्ज्ड विथ ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोजिव सबस्टांसेस एक्ट 1908. एक्सप्लोजिव सबस्टांसेस एक्ट 1908 के भी चार्जेस उस पर लगाए गए. व्हेन ही वॉज ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट, जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, व्हेन ही वॉज फर्स्ट फेल्ट मेकिंग कन्फेशन, कब उसे पहली बार लगा कि उसे कन्फेश करना चाहिए. पहला, ही रिप्लाइड, इस क्वेश्चन के जवाब में उसने कहा, व्हेन ही वॉज अरेस्टेड, जब उसे अरेस्ट किया गया. और ये लाइन बोलने के बाद ही देन एडेड, ही हैड एब्सोल्यूटली नो रिग्रेट फॉर वॉट एवर ही हैड डन, उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है, किसी भी बात का उसे अफसोस नहीं है. At another stage of proceeding, magistrate दोबारा उससे पूछती हैं, why he wished to make confessional statement, why he wished to make confessional statement, क्यों उसने confessional statement दिया. He replied, उसने reply किया, he wanted to set an example to others, वो दूसरों के लिए अपने कौम के लोगों के लिए हीरो बनना चाहता था, एक एग्जांपल सेट करना चाहता था. ठीक है, तो अभी हमने जाना कि अगर कन्फेशन सैटिस्फैक्टरीली ये प्रूव हो जाता है कि क्या है, वॉलेंट्रीली है, यानी पर्सन हु इज चार्ज्ड विथ ऑफेंसेस, जिन फैक्ट्स को वो कन्फेस कर रहा है वो अपनी इच्छा से कर रहा है, और वो क्या है, जेन्युइन है, तो कन्फेशन क्या है, इट इज सफिशिएंट प्रूफ ऑफ गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड. कोई पर्सन
कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है। तो दो क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, पहला व्हेन और दूसरा व्हाई। जैसे इस केस में उससे पूछा गया अजमल कसाब से कि व्हेन ही वॉज फर्स्ट फेल्ट मेकिंग कन्फेशन, तो उसने जवाब दिया कि जब उसे अरेस्ट किया गया। और आगे उसने कहा कि उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे ज़रा भी अफसोस नहीं है। और जब पूछा गया कि क्यों उसने कन्फेस किया, तो वो कहता है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था। ठीक है, तो अगर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं और ये प्रूव्ड हो जाता है कि जो कन्फेशन है वो वॉलेंट्रीली है, जेन्युइन है, तो ये एक वैलिड प्रूफ माना जाता है टू प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड, राइट। तो ये था कन्फेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिसे हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करी। लगभग 40 मिनट में हमने केवल कन्फेशन के जनरल कॉन्सेप्ट को विथ एग्जांपल्स एंड विथ केस लॉज समझा। अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।